इस ट्यूटोरियल वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि किस तरह से पावरफुल ट्रेडिंग की जा सकती है और हाई विनिंग रेट को भी अचीव किया जा सकता है दोस्तों केवल पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करके। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह हम पिन बार का इस्तेमाल करें, उनमें किन फाइन बातों का ख्याल रखना है ताकि हमारी विनिंग रेट अच्छी आए दोस्तों। यही तो उद्देश्य रहता है हमारा कि हमारा विनिंग रेट अच्छा आना चाहिए और हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में स्टॉक मार्केट में काम कर सकें। तो आज सीखेंगे दोस्तों इसमें हाउ टू ट्रेड पिन बार लाइक अ प्रो। मैं डीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों पहले समझते हैं कि पिन बार क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं और उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहले दोस्तों पिन बार के बारे में एक फाइनल डिटेल को समझ लेते हैं और उसके बाद प्राइस चार्ट पर चलेंगे कि किस तरह से पिन बार का इस्तेमाल करके हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। तो दोस्तों पिन बार क्या है? पिन बार जो है वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों, और ये क्या है, जैसे पिन की तरह दिखाई देता है इसीलिए पिन बार बोलते हैं। इसे लॉन्ग टेल कैंडल भी बोला जाता है क्योंकि इसकी जो शैडो होती है वो काफी बड़ी होती है दोस्तों बॉडी के कंपैरिजन में। अब दोस्तों बुलिश पिन बार एक कैटेगरी है जिसमें हैमर या आइसक्रीम बार हो सकता है। हैमर और आइसक्रीम बार के इंटरप्रिटेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आइसक्रीम बार कैसी दिखती है, जिस तरह से दोस्तों आइसक्रीम जब हम बाजार से खरीदते हैं तो उसमें ऊपर की बॉडी भी थोड़ा सा बड़ी होती है हैमर का कंपैरिजन में, लेकिन उसमें भी जो उसकी हैंडल होती है वो काफी बड़ी होती है, उसे आप शैडो का रूप समझ सकते हैं। तो हैमर जो है और आइसक्रीम बार का इंटरप्रिटेशन पर्पस के लिए दोनों सेम है दोस्तों। और जब बुलिश पिन बार बनते हैं तो इन्वर्टेड हैमर भी होते हैं, उल्टे हैमर बनते हैं, वो भी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों। अब इसके अलावा दोस्तों बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें कि बेरिश पिन बार क्या होता है, तो शूटिंग स्टार जब बनते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए दोस्तों स्पेलिंग गलत है इसको माइंड मत कीजिएगा, शूटिंग स्टार है ये दोस्तों, टी गलत लग गया है इसमें। तो शूटिंग स्टार जो है वो मार्केट में एक बेरिश पिन बार है और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों। तो ये दिखता है इन्वर्टेड हैमर जैसा है, केवल अंतर है इसकी लोकेशन जो प्राइस चार्ट पे होती है वो अलग होती है। इन्वर्टेड हैमर बुलिश हो जाता है और शूटिंग स्टार बेरिश हो जाता है। अब दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है, ये देखिए कितनी लंबी टेल है या शैडो है, यहां पर कैंडल बनी, ये बेरिश पिन बार है, ये प्राइस का रिजेक्शन दिखा रहा है, बुल्स ने प्राइस को पुशअप करके ऊपर तक ले गए बट वो हिम्मत हार गए और अल्टीमेटली बेयर्स जो थे बिकवाली करने वाले जो लोग थे वो विनर रहे और एक कैंडल ऐसी बनी जिसकी बॉडी छोटी है और काफी बड़ी शैडो है दोस्तों। अब ये बॉडी का कलर कुछ भी हो सकता है, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, उसमें मतलब नहीं है दोस्तों। इसका मेन है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में जो रेंज है बड़ी छोटी है। ये देखिए सिमिलर है, इनका इंटरप्रिटेशन दोनों का सेम होगा, चाहे बुलिश कैंडल दिखे या बेरिश कैंडल दिखे, ये कहां पे अपीयर हो रहे हैं लोकेशन वो इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखिए बुलिश पिन बार है तो यहां पर लॉन्ग लोअर शैडो का फॉर्मेशन है और ये अपसाइड मूव है, अपसाइड मूव है, और यही बॉडी थोड़ी सी और बड़ी हो जाए तो ये आइसक्रीम बार जैसी दिखने लगती है, इसीलिए उसे आइसक्रीम बार बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ख्याल ये रखना है कि जब भी ये कैंडलस्टिक चार्ट पर आप देखें तो जब तक ये प्राइस क्लोज नहीं हो जाती है, ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि ये बुलिश पिन बार बने हैं या बेरिश पिन बार बने हैं कि नहीं बनी है, तब तक ट्रेड को लेने में जल्दीबाजी नहीं करनी है। इनका क्लोजिंग होना डे बेसिस पर अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम पिन बार्स को कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह इनका इस्तेमाल करके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। तो दोस्तों नंबर वन है कि पहले तो हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्या ये सही में पिन बार है। तो जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल वीडियो में
सारे ट्यूटोरियल में बहुत डिटेल में उसको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और मैं आशा करता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट के बिगनर हैं तो स्टेप बाय स्टेप जीरो टू जीरो की प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे। दूसरा दोस्तों कि जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया प्राइस चार्ट पे कि ये पिन बार है तो ये जानना जरूरी है कि पिन बार को चेक करें किस लोकेशन पे बने हैं। दोस्तों केवल पिन बार आइडेंटिफाई करने से एक्यूरेसी नहीं आएगी, हमें उसके लोकेशन को भी देखना पड़ेगा उन्हें। उसके बाद आपको चेक करना होगा कि जो ट्रेंड अभी प्रिवेल कर रहा है वो क्या है, बुलिश है, साइडवेज है या बेरिश ट्रेंड है। दोस्तों तो ये समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों प्राइस चार्ट पे चलेंगे तो मैं एक्सप्लेन करने की आपको चेष्टा करूंगा। अब यहां देखिए एंट्री जब हमें लॉन्ग ट्रेड लेना है तो ट्रेंड जो है वो बुलिश होना चाहिए। तो अभी तो हम ट्रेंड के साथ में दोस्ती करेंगे, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। तो एंट्री लॉन्ग ट्रेड को लेने के लिए जो पिन बार बना है अगर सही लोकेशन पे बना है, सपोर्ट के पास में बना है, तो दोस्तों उस पिन बार के हाई के ऊपर में बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर डालेंगे। अब दोस्तों अगर हमें शॉर्ट सेल करना है तो देखना होगा कि पिन बार किसी की रेजिस्टेंस के पास में बना है कि नहीं बना है, और उसके लो के नीचे में हमें सेल स्टॉप ऑर्डर डालना होगा, जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करना होगा ताकि हम उसको ट्रेड को ले सके। या हाई एंड लो के ऊपर हम डालने के लिए इसीलिए बोलते हैं दोस्तों ताकि फॉल्स मार्केट सिचुएशन को या फॉल्स ब्रेकआउट सिचुएशन को हम अवॉइड कर सकेंगे लार्ज एक्सटेंट तक। क्या हमेशा अवॉइड कर पाएंगे? कतई नहीं दोस्तों, लेकिन इससे आपकी एक्यूरेसी काफी इंप्रूव हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? स्टॉप लॉस रखेंगे बिलो या अबव सपोर्ट एरिया। अगर हम लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो सपोर्ट के नीचे रखेंगे क्रिटिकल पॉइंट पे कॉन्फ्लुएंस को चेक करके, और अगर लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम ऊपर में रखेंगे रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर में, ताकि मार्केट के नॉइजेस में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होना चाहिए। और दोस्तों टारगेट क्या आएगा? या तो चार्ट पैटर्न के अनुसार आएगा, और या सिंपल फिक्स्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करें। अगर हम रिस्क ले रहे हैं 1 आवर का तो 2 आवर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, एंट्री प्लस 2 आवर, इस हिसाब से हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में। इनको देख के मैं आपको प्राइस चार्ट में कई संभावित लॉन्ग ट्रेड एंड शॉर्ट ट्रेड के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हम सिंपल तरीके से पिन बार के द्वारा एक अच्छे विनिंग रेट को अचीव कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में या करेंसी पेयर में दोस्तों। अब दोस्तों प्राइस चार्ट के ऊपर में समझने के पहले फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगा कि हमें सबसे पहले ट्रेंड की एनालिसिस करनी है और उसी दिशा में ट्रेड को लेना है दोस्तों। अगर अप ट्रेंड है मार्केट तो लॉन्ग ट्रेड लेंगे, और डाउन ट्रेंड है मार्केट तो शॉर्ट ट्रेड को लेंगे दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग करेंगे। अब दोस्तों दूसरी बात का ख्याल रखना है कि जो बुलिश पिन बार बनेगा या बेरिश पिन बार बनेगा या आइसक्रीम बार बनेगा तो दोस्तों वो सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस के पास में बनना चाहिए, तब तो उसका रेलेवेंस है, अदरवाइज उसको इग्नोर कर देना है दोस्तों। अब देखिए यहां पर दोस्तों जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो बेहतर ये होगा कि हमें 2 टाइप के सपोर्ट मिले या 2 टाइप के रेजिस्टेंस मिले या उससे अधिक मिले, वो बेहतर होगा। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं मेरा कहने का तात्पर्य है क्या दोस्तों। यहां पर देखिए मार्केट अप ट्रेंडिंग है, हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। अब यहां देखिए ये करेक्शन हुआ और करेक्शन होने के बाद ये बुलिश पिन बार बना। अब बुलिश पिन बार जब बना तो बुलिश पिन बार की बॉडी से कोई मतलब नहीं है कि वो रेड कलर की है कि ग्रीन कलर की है, इंपॉर्टेंट है कि वो बुलिश पिन बार है या आइसक्रीम बार है। और ये कहां बना? ईएमए 55 के सपोर्ट पे बना, सिग्निफिकेंट है। दूसरा और कोई कॉन्फ्लुएंस हमें मिल रहा है? ये देखिए दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन जो पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रही है। तो इस बुलिश पिन बार का जो हाई है उसके ऊपर में हमें बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर डाल देना है, टर्मिनल पे जीटीटी क्रिएट कर देना है। जब वो ट्रिगर हुआ तो हम ट्रेड में होंगे, अन्यथा फॉल्स मार्केट सिचुएशन को अवॉइड करने में लार्ज एक्सटेंट तक सफल हो जाएंगे। ये देखिए यहां हुआ, हमें आराम से, और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? ये बुलिश पिन बार जो सपोर्ट है ईएमए 25, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इससे
थोड़ा नीचे रहेगा, जो प्रायर स्विंग लो है उससे थोड़ा नीचे रहेगा दोस्तों। और हमें यहां देखिए छोटा सा स्टॉप है और ये आराम से 1:2 का रेशियो मिल गया, 1 आर का हमने रिस्क लिया और 2 आर कमा लिया दोस्तों। फिर यहां पे मौका मिला दोस्तों, ये बुलिश पिन बार बना और बुलिश पिन बार बना EMA 21 के सपोर्ट के पास में, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें, ये पहले रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर रही है। तो इसके हाई के ऊपर में हमने GTT ऑर्डर डाला, लेकिन जैसे सेकंड डे ट्रिगर नहीं हुआ, थर्ड डे ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन थर्ड डे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर एक और पिन बार का फॉर्मेशन हुआ और वो था इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन। तो पहले जो हमने तय किया था कि इसके हाई के ऊपर में डालेंगे, अब मार्केट की सिचुएशन चेंज हो गई, अब जो हाई है वो ऊपर से नीचे आ गया, अब इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर में बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर डालेंगे और ये ट्रेड भी एक सफलतम ट्रेड साबित हुआ। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कहां पे मिला। यहां देखिए दोस्तों, फिर से एक बार बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ और ये EMA 21 के पास में हुआ, तो यहां पर हमारा ट्रेड सफल साबित हुआ। उसके बाद यहां देखिए EMA 21 पे ट्रेड बुलिश पिन बार बना और यहां देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट है, ये भी ट्रेड एक सफल साबित हुआ लॉन्ग ट्रेड। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां देखिए फिर से बुलिश पिन बार बना EMA 21 पे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें, प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन था, तो इसके हाई के ऊपर में हमने बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर डाला, वो ट्रिगर हो गया और ये देखिए एक बेहतरीन ट्रेड साबित हुआ। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बुलिश पिन बार, फिर से यहां पर हमें एक इन्वर्टेड हैमर मिला जो उल्टा पिन बार है, लेकिन डाउन ट्रेंड के बाद में इन्वर्टेड हैमर जो है वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो पिन बार जैसे ही है। तो इसके हाई के ऊपर में हमने डाला, नेक्स्ट डे ट्रिगर नहीं हुआ, सेकंड डे ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन थर्ड डे वो हमारा GTT ऑर्डर जो बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर है वो ट्रिगर हो गया। ये कहां पे बना दोस्तों, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है, पहले रेजिस्टेंस था, तो यहां पर एक की सपोर्ट एरिया पे ये हमें बनता हुआ नजर आया। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोई बुलिश पे, यहाँ पे फिर एक बुलिश पिन बार बना दोस्तों, ये कहाँ पे बना, पहले यहाँ सपोर्ट था और EMA 21 के पास में बना, ये ट्रेड भी एक बेहतरीन ट्रेड साबित हुआ। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कोई मिला इस समय पे, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में आ गया। अब यहाँ और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने की मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, अभी तक देखिए मैंने एक ही स्टॉक के चार्ट को पकड़ा है और उसी में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। यहां देखिए एक आइसक्रीम बार का फॉर्मेशन हुआ और आइसक्रीम बार कहां फॉर्मेशन हुआ, एक तो ये ट्रेंड लाइन है, प्राइस का सपोर्ट, पीछे से ट्रेंड लाइन देखिए, ये प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और ये जो बना यहां पर, चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो ये आइसक्रीम बार जो बना इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे बना और साथ में ये बना SMA 144 के पास, तो इसके हाई के ऊपर में हमने डाला, सेकंड डे हमारा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ बाय ऑर्डर, थर्ड डे ट्रिगर हो गया, तो सेकंड डे ट्रिगर नहीं हुआ, थर्ड डे ट्रिगर हो गया, यस। और इसके बाद देखिए एक बेहतरीन ट्रेड साबित हुआ, यहाँ पे फिर से एक बुलिश पिन बार बना इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में और यहाँ देखिए पहले भी सपोर्ट था, तो ये भी एक अच्छा ट्रेड साबित हुआ। और आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ बुलिश पिन बार बना EMA 55 के पास में और ये हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन देखिए, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट, तो हमें दो टाइप के सपोर्ट यहाँ मिल रहे हैं। जब भी दो या उससे अधिक सपोर्ट आपको नजर आए वो ज्यादा रिलायबल और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकता है, ये ट्रेड भी एक अच्छा साबित हुआ। और बढ़ते हैं दोस्तों, यहां देखिए फिर से बुलिश पिन बार बना, हमने बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर इसके हाई के ऊपर में डाला, वो नेक्स्ट डे ट्रिगर भी हो गया, लेकिन यहां पर दोस्तों हमें शायद यहां पर मिल गया 1:2 का यहां पे मिल गया। अब यहां देखिए ये डाउन ट्रेंडिंग मोड में आ गया, इस जगह पे हमें एक शूटिंग स्टार बना, तो इसके नीचे में हम क्या करते, सेल स्टॉप ऑर्डर डालते इसके लो के नीचे में और ये देखिए 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला। हमारा स्टॉप लॉस क्या होता, ये SMA 144 के थोड़ा सा ऊपर रहता। अब आगे बढ़ते हैं, फिर यहां देखिए बुलिश पिन बार बना, प्रायर ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, तो हमें लॉन्ग ट्रेड लेना है। यहां देखिए नेक्स्ट डे ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, सेकंड डे नहीं ट्रिगर हुआ, थर्ड डे ट्रिगर हो गया और ये भी एक बेहतरीन ट्रेड साबित हुआ।
यहां देखिए फिर से करेक्शन हुआ और एक बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ, और ये कहां हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। ईएमए 55 का भी सपोर्ट है, दो सपोर्ट मिले हमें दोस्तों, ये भी एक अच्छा ट्रेड साबित हुआ। और आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या और कोई अपॉर्चुनिटी मिली, तो ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ चार्ट को, अभी तक कोई पिन बार नजर नहीं आया दोस्तों। यहां पर देखिए एक पिन बार यहां पर नजर आया ईएमए 21 पे, जो एक यहां पे एक अच्छा ट्रेड साबित हुआ दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद डाउन ट्रेंडिंग चालू हो गया और ये देखिए एक सपोर्ट लाइन इमर्ज हो रही है और इस जगह पे फिर से बुलिश पिन बार बना और यहाँ पर ट्रेंड तब तक चेंज हो गया और इसके हाई में हमने डाला, ये भी एक अच्छा ट्रेड साबित हुआ। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, यहाँ फिर बुलिश पिन बार बना। यहाँ पर देखिए दोस्तों समझने वाली बात, शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो डाउन था लेकिन इंटरमीडिएट ट्रेंड बुलिश था और इंटैक्ट था, और इस जगह पे कहां पर हमें ये बना, एसएमए 144 के ऊपर में ये बुलिश पिन बार बना और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ध्यान से देखें, पहले यहां सपोर्ट था उसी जगह पे बना, तो हमें दो कन्फ्लुएंस मिल गए दोस्तों केवल सपोर्ट के टर्म्स में। और बुलिश पिन बार जो है वो अपने आप में कन्फ्लुएंस है, वॉल्यूम में देखिए सब्सटेंशियल राइज है, तो कई कन्फ्लुएंस मिल रहे हैं। यहां हमने ऑर्डर डाला, ये एक बेहतरीन ट्रेड साबित हुआ। फिर यहां बढ़ते हैं दोस्तों, यहां देखिए फिर से एक बुलिश पिन बार बना और ये एक अच्छा ट्रेड साबित हुआ। यहां फिर बुलिश पिन बार बना, ये अच्छा ट्रेड साबित हुआ और उसके बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई। क्या यहां पर देखिए शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, प्राइस में आया, पुल बैक हुआ, डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड अगर यहां पर है, लोअर हाईज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन है, तो हमें शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी को तलाशना है, ना कि इस पुल बैक को चेस करके एक ट्रेड को खराब कर देना है। यहां देखिए एक शूटिंग स्टार बना, इसके लो के नीचे में हमने डाला, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया। इसके बाद दोस्तों फिर ट्रेंड में रिवर्सल हो गया, यहां पर देखें कहीं और पोजीशन मिल रही है, तो फिलहाल तो कोई भी पिन बार नजर नहीं आ रहा है, पिन बार नजर नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों यहां देखिए फिर पिन बार एक नजर आया और इसके हाई के ऊपर में हमने डाला, यहां पे देखिए ईएमए 21 ईएमए 55 का सपोर्ट है और इसके पहले ये यहां पे रेजिस्टेंस था जो एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, ये भी एक अच्छा ट्रेड साबित हुआ। यहां पर देखिए एक बुलिश पिन बार बना है, इसके हाई के ऊपर में हमने डाला, पहले दिन ट्रिगर नहीं हुआ, दूसरे दिन ट्रिगर नहीं हुआ, बट फाइनली फिफ्थ डे में ये ट्रिगर हो गया, लेकिन ये ट्रेड लॉस वाला हुआ दोस्तों। यहां पर स्टॉप लॉस देखिए ट्रिगर हो गया, तो यहां पर लॉस हो गया हमें। अब आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा तो हमें केवल ट्रेंड की एनालिसिस करनी है ताकि उसी दिशा में काम करें। अगर अप ट्रेंड है तो लॉन्ग ट्रेड लें, डाउन ट्रेंड है तो शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढें, बुलिश पिन बार या आइसक्रीम बार को आइडेंटिफाई करना है वो सपोर्ट के पास में रहे, अगर हमें दो या तीन टाइप के सपोर्ट मिल जाए और वो कन्फ्लुएंस मिल जाए तो ट्रेड सफल होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों केवल बुलिश पिन बार को नहीं देखना है, वो किस लोकेशन पे प्राइस चार्ट में अपियर हो रहे हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि आपको ट्रेडिंग करने के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और हाउ टू ट्रेड और पिन बार फॉर्मेशन और पिन बार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन ऑन द प्राइस चार्ट एंड ट्रेड लाइक ए प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेड लाइक ए प्रो, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ढेर सारे लाइक कीजिएगा दोस्तों, इसे शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल कर दें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों अतिशीघ्र।